अब खबर बिलासपुर से, जहां पर नान घोटाले की परत खुलती जा रही है। सीएजी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गई, जिसमें धान खरीदी से लेकर बरदान और राशन कार्ड को लेकर ढेरों आपत्तियां हैं। मामले में शुक्रवार को हमर संगवारी की ओर से जवाब पेश किया गया। सरकार की ओर से भी धान खरीदी की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि धान खरीदी और मिलिंग के आंकड़े में अंतर है। इस पर भाजपा अध्यक्ष की हस्तक्षेप याचिका पर कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी तो हुई है, जांच भी जरूर होगी। सीजी की रिपोर्ट को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया नहीं है, तो इस तरह से जो कोर्ट को जो लगा कि हाँ इसमें और थोड़ा स्पेसिफिकेशन आने चाहिए, इसके लिए क्योंकि आज एजी साहब थे नहीं यहाँ पे, तो उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है बाकी गवर्नमेंट एडवोकेट को कि वो नेक्स्ट डेट पर उसको और समराइज करें जो आपने डिटेल पेश की है और उस पर एड्रेस करें। विक्रम उसेंडी जो हस्तक्षेप याचिका करता है, जिनको आपत्ति है कि एसआईटी जांच नहीं होनी चाहिए, तो बोले प्रकरण में जो तथ्य आ रहे हैं उसको देख के तो लगता है कि कोई ना कोई जांच तो जरूरत है। आप एसआईटी नहीं कह रहे हैं तो क्या आप सीबीआई चाहते हैं? क्योंकि ऐसा तो प्रथम दृष्टया दिखता है कि शायद इसमें किसी जांच की आगे जरूरत है, तो ये सवाल भी उनसे किया गया है। अभी आगे बहस जारी रहेगी, सारी चीजों को अंत में माननीय जज साहब।